नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 6,251 नए केस सामने आ चुके हैं। 85 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में 48,318 एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। इस वक्त की उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 48,318 एक्टिव केस हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 6,251 नए मामले सामने आ गए हैं। 85 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 6,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 85 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में इस वक्त 48,318 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता पंकज गैरोला से। पंकज, 24 घंटे में 6,251 नए केस आए हैं और 85 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कैसे रोक पाएगी उत्तराखंड सरकार इस संक्रमण को? बिल्कुल, लगातार अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 6,000 से ऊपर मामले थे और आज भी 6,000 से ऊपर मामले हैं। आज 6,251 मामले हैं और 85 लोगों की मौत हुई है। आज थोड़ा सा आंकड़े में ये फर्क है कि कल 108 लोगों की मौत थी, लेकिन आज मौतों का आंकड़ा कुछ घटा है, 85 लोगों की मौत है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी रेट है वो भी आज घटता नजर आ रहा है। कल तक 70 के करीब रिकवरी रेट था, उससे पहले 72 से ऊपर रिकवरी रेट था, लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो 68 के करीब उत्तराखंड में रिकवरी रेट है। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें जरूर उत्तराखंड की बढ़ती जा रही है और जो मैदानी जिले हैं उसमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में भी कल की तरह 2,000 से ऊपर मामले, हरिद्वार में भी आज 1,163 मामले, ऐसे नैनीताल में 673 मामले। तो लगातार जो हम कह सकते हैं कि स्थिति विकट होती जा रही है। भले ही सरकार कोशिश कर रही है मामलों को कम करने की, कर्फ्यू कर लगाने की बात करें, लेकिन अभी भी जो रेट, जो रिकवरी रेट है वो बढ़ नहीं रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज जिस तरीके से डीजीपी अशोक कुमार ने भी कहा है कि हमें कहीं ना कहीं जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, साप्ताहिक कर्फ्यू से नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कोशिश तो कर दी है लेकिन लोग तब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। तो इस समय कोशिश है और आवश्यकता है जनता कर्फ्यू की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज गैरोला ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी ने भी ये बात कह दी है कि अब सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, पूर्णतः जनता कर्फ्यू लगाना होगा। अगर इस कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि 100% लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगानी होगी। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंच परमेश्वर महंत मनीष भारती का निधन हो गया है। जी हां, कोरोना से संक्रमित थे महंत मनीष भारती। ऋषिकेश एम्स में महंत मनीष भारती ने अंतिम सांस ली है। दरअसल कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके बाद उनको ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था और वहां पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पर उसी कड़ी में कोरोना से संक्रमित होकर महंत मनीष भारती ने आज अंतिम सांस ली, आज उनका निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में भर्ती थे महंत मनीष भारती। देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी चार धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा दरअसल 14 मई से शुरू होने वाली थी। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज इस बात की जानकारी दी है। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसी को देखते हुए इस यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पर पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा को अभी के लिए बहरहाल
बंद किया जाता है। यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहां पूजा पाठी करेंगे, बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह सकता स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे, लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 108 सेवा के लिए 132 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जनपदों के लिए आज रवाना कर दिया है। प्रदेश सरकार ने UDRPF के माध्यम से 132 एम्बुलेंस को स्वास्थ्य महानिदेशालय को फरवरी में उपलब्ध कराया था, जिसके बाद इन्हें कुंभ मेला में संचालित किया जा रहा था। आज मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 13 जिलों के लिए रवाना कर दिया है। इन 132 एम्बुलेंस में 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सरकार लगातार टेस्टिंग बढ़ा रही है, हाईकोर्ट के निर्देश का भी सरकार पूरी तरह से पालन कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जनता को चाहिए कि वो कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, मास्क लगाने के साथ साथ 2 गज की दूरी का भी जरूर पालन करें। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108 वो 168 लगभग 100 पहले थी और उन सबको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इवन पर विधानसभा में दो दो तीन तीन एम्बुलेंस दी हैं और आज उस क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की जो जिस प्रकार का भी उनको दुख चुका होगा उनके ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड। और अब खबर रामनगर से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। नगर पालिका ने वार्ड नंबर 1 पंपापुरी PWD गेस्ट हाउस रानीखेत रोड में सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया है। भुवन ढंगवाल ने बताया है कि कोरोना के कहर के चलते राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर पालिका बोर्ड की बैठक में पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों ने नगर के 20 वार्डों में सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। सभासद भूमंडल ने बताया कि पालिका के इस काम का जिम्मा EO भरत त्रिपाठी के निर्देश पर प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट को सौंपा गया है। कोटद्वार में आज पौनी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कोटद्वार बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में DM पौड़ी का ये पहला निरीक्षण था। साथ ही साथ CMS को हिदायत देते हुए कहा कि हॉस्पिटल में 100 बेड का एक और कोविड वार्ड जल्दी तैयार होना चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि जिले में जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर कोविड चेक पोस्ट बना दिया है, साथ ही साथ साप्ताहिक प्रतिबंध और धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि कोविड के केस ज्यादा ना बढ़े। अस्पताल का आज निरीक्षण किया है। हमारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल नामित कर रखा है। अभी वर्तमान में 100 बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है और हमारी नॉन कोविड ICU हमारे पास में 6 बेड की उपलब्ध है। शासन से निर्देश जो प्राप्त हुआ था उसके क्रम में बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में हमको जो है 10 ICU का निर्माण करना था, वो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 से 2 दिवस के अंदर उसका संचालन करना भी प्रारंभ हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार चेक पोस्ट में बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच की जा रही है, जिसके साथ ही जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है उनका मौके पर ही कोरोना टेस्ट कराकर आगे के लिए भेज दिया जा रहा है।
एक तरफ से देखने को ये मिल रहा है कि प्रशासन कोरोना को लेकर कितना गंभीर है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सब दिखावा मात्र है, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद बाहर से आने वालों का कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या रात को कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता? आखिर किस आधार पर प्रशासन रात को बिना टेस्ट के ही सीमा के अंदर आने की अनुमति दे रहा है? वाकई गंभीर सवाल है। टिहरी जिले में 18 साल से 44 साल तक की आयु वर्ग तक के व्यक्तियों के लिए कोविड 19 के टीकाकरण के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और वहां पर पूरी तरह से लोगों ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के व्यक्तियों को ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर अपना खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन ही कोविड वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट लेना होगा और जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उसको मिलने के बाद ही संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि को निर्धारित केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन करा सकेगा। इसके अलावा जिले के स्वान केंद्रों में जाकर भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तरकाशी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 242 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 741 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार में दोपहर 2 बजे के बाद बिना काम के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं TM मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। DM ने सब्जी मंडी, बस अड्डा, मेन बाजार, हनुमान चौक, रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड नियमों का अनुपालन नहीं करने और अनावश्यक बाजार में घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे हैं और पुलिस वालों को कोविड के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त हिदायत भी दी है। जोशीमठ में बीते 6 अप्रैल को सीमांत क्षेत्र मलारी बॉर्डर पर हिमखंड टूटने से कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिनको आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया था। आपको बता दें कि जिसके बाद निरंतर राहत बचाव अभियान जारी रहा है और अब सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी इस दैवीय आपदा की चपेट में आए बंद पड़े रास्तों को खोलने में जुट गए हैं। सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों का कहना है कि इस दैवीय आपदा में 5 गांवों से उनका संपर्क टूट गया था, जिन गांवों से अब फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड press the bell icon, never miss any update.